না একবারই দেখতে হবে। अरे दी, आप मेरा ही वेट कर रहे थे। वेट तो उनका किया जाता है जो सालों सालों के बाद आते हैं। तो हर दो महीने के बाद आती है, और पहली बार तो झाड़ू मार रही थी मैं यहाँ पे। दो महीने? अरे तुम पागल हो गया, दी आपकी बार पूरे छह महीने बाद आई है। आपको जैसे बहुत याद रहता है कब कब आ रही है ये। तुम जब देखो ना दिया से लड़ती रहती हो। तुम बताओ दिया कैसे आना हुआ? जीजू आपको पता तो है मेरा सेंटर यही पड़ता है, और डेट शीट आ गई तो मैं आ गई। चलो ये तो अच्छा किया तुमने, अंदर चलो आ रहा हूँ मैं। ठीक है चलो दी। और दिया कैसे चल रही है पढ़ाई? एकदम बढ़िया जीजू, हमेशा की तरह टॉप ही करूंगी। ध्यान रखना, तू बहुत शरारती है, अगर वहां से शिकायत है तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अरे जीजू नहीं आएगी, डोंट वरी। कमाल है यार, तुम्हारी बहन इतने दिनों बाद आई है और तुम यहाँ खड़ी हो। जाके चाय बनाओ। चप्पल भूना ले इसके लिए मैं। कुछ कहा क्या दिया आपने? कुछ नहीं कुछ नहीं, लाती हूँ मैं चाय। जल्दी लेके आना, दो कप लेके आना, एक मेरे लिए और एक मेरी साली के लिए। जरूर अभी लाई। ये लो, कितनी फास्ट सर्विस है, एक मिनट में चाय बना के ले आई। कितना फास्ट कर दिया आपने दी को। एक काम करो तुम चाय पियो, मेरे को गाड़ी पे कपड़ा मार रहा है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मेरी चाय मत पी जाना। नहीं पीती जीजू। ठीक है। कैसी चाय बनाई है दी आपने, कितना मीठा है इसमें। शादी को 3 साल हो गए आपको, अभी तक नहीं सीखे। चाय तो अच्छी बनी है, तूने कुछ ज्यादा ही मीठा बोलती है, इसलिए तो ज्यादा मीठी लग रही होगी। स्वीट हूँ ना मैं शायद इसलिए। स्वीट ऐसे क्यों बोल रहे हो? दिया देख तुझे एक बात समझाऊंगी, तूने मेरी बुआ की लड़की है, तू यहाँ बार बार मत आया कर, इनको अच्छा नहीं लगेगा। आपको कैसे पता उन्हें अच्छा लगेगा या नहीं, अगर वो आपके पति है तो मेरे दोस्त जैसे भी तो है। चिंता मत करो, नहीं लगता उन्हें बुरा। दोस्त खैर ये सब छोड़ो, मैं ना बहुत थक गई हूँ, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ठीक है मेरी जिंदगी में ग्रहण लगा के तू रेस्ट ही करेगी। तू ये देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेके आया हूँ, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। जीजू मुझे भी आईफोन चाहिए। मैं नहीं दूंगी, मेरा फोन है ये। पहली बात तो मैं आपसे बात नहीं कर रही। जीजू आपको पता तो है मुझे कब से आईफोन चाहिए था, और मम्मी पापा भी नहीं दिला रहे, प्लीज दिला दो ना। अरे कोई बात नहीं यार, एक काम करो वो फोन तुम ले लो और ये वाले उसको दे दो, ऐसे भी वो कुछ टाइम के लिए आई हुई यहाँ पे। इसको मैं क्यों, तो अपनी सारी चीजें ले ली अपने घर जाके। यार सारी चीज की बात कहाँ से आएगी इसमें, फोन ही तो चेंज करना है। अगली बार जब सैलरी आएगी मैं इसे अच्छा दिला दूंगा तुम्हें। मैं नहीं दूंगी। दीदी दे दो ना, आपको तो पता है ना मुझे कब से चाहिए था, और मैं फोन ही तो मांग रही हूँ आपसे। अपनी राइट्स क्यों दूं मैं तेरे को? दीदी इसमें राइट्स की कहाँ से बात आ गई? यार तुम दोनों लड़ाई मत करो, ये दे दो फोन, ये रखो, ये भी ना इसी को दे दो, और इनको भी तू ही रख ले। देखो तुम्हारी दीदी अभी गुस्से में है, मैं उसको समझाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। सुनो
मैं ना किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो एक घंटे तक आऊंगा। ठीक है। दिया कहाँ है? दिया दिख नहीं रही। उसका एग्जाम है ना आज, तो वो भी तैयार हो रही है, अंदर बस निकल रही है वो भी। यार मुझे भी बाहर जाना था, एक काम करता हूँ, दिया को छोड़ के चला जाऊंगा। दिया आई जीजू। इधर आओ, आज तुम्हारा एग्जाम है ना? हाँ जी। मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। अरे जीजू मैं चली जाऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? यार इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, बाहर देख रहे हो कितनी गर्मी है, और मैं नहीं चाहता मेरी साली इस गर्मी में परेशान हो। चले चलो, मैं सैंडल्स पहन लेती हूँ। ठीक है ठीक है। नहीं आपको क्या जल्दी उसको छोड़ के आने की, चली जाएगी खुद वो। फिर क्या हो गया यार, बाहर तो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा रास्ते में। मुझे ना सब दिखाई दे रहा है, अंधी नहीं हूँ मैं, देख रही हूँ मैं इतने दिनों से। यार तुम ना हमेशा गलत सोचती हो यार, वो तुम्हारी बहन है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना आपको, चली जाएगी खुद, क्या जल्दी आपको छोड़ के आने की। मैं आके बात करता हूँ तुमसे। बात सुन के जाओ मेरी। करता हूँ ना आके बात, मैं करता हूँ। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, अगली बार नहीं आए तो अगली बार ले आऊंगा ना। लेकिन अगली बार आपको पक्का दिलाने पड़ेंगे। पक्का? सृष्टि ये क्या बदतमीजी है? आप तो चुप रहो, ऐसा समझ। और तू ये एग्जाम देने से घर खराब होने की लाइक थी मेरा। लेकिन दी मैंने क्या किया है? क्या किया? इतना कुछ करिए रे, क्या किया? अरे सृष्टि तू पागल वागल हो गई क्या? घर में आए मेहमान है, कम से कम रिस्पेक्ट तो करो इनकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। दी आप बताओ तो सही, बात क्या है? आपको मैंने कहा था एग्जाम सेंटर से घर लेके आ जाओ, आप तो घुमाने के चले गए थे बाहर। देखो यार पहले शांत हो, इसका आखिरी एग्जाम था और इसको भूख लग रही, मैंने बोला लंच पे चलते हैं, इसने बोला शाम को दीदी के साथ डिनर पे चलेंगे। ये तुम्हारे बारे में इतना सोचती है और तुम इसके बारे में इतना गलत सोचते हो। अरे सर मानी चाहिए तुम्हें, वो तुम्हारी बहन है। और दीदी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि हमारे बीच कुछ है, तो मैं इनको राखी बांधने के लिए भी तैयार हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों राखी क्यों बांधोगे तुम? मुझे जरूरी थोड़ी है सच बताने के लिए तुम मुझे राखी बांधो। हम एक अच्छे दोस्त हैं और मुझे प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम गलत सोचो अच्छा सोचो, वो तुम्हारी सोच है। और दीदी अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ और कभी वापस भी नहीं आऊंगी। दिया प्लीज मुझे माफ कर दे। दिया जब से तू आई थी ना, ये ध्यान ही नहीं रहते मेरे ऊपर, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। कोई नहीं दीदी, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आप भी मुझे माफ कर देना। मेरे से ज्यादा ना तुमने इसका दिल दुखाया, इससे माफी मांगो। और मेरे से पहले ये तुम्हारी लाइफ में आई थी, बाकी मैं सॉरी दिया, आज के बाद शक नहीं करूंगा। दिया आप माफी मत मांगो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।